नमस्कार दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सरकार को हर महीने कितनी कमाई होगी, कितने करोड़ कमाई होगी। तो ये खुद नितिन गडकरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो को। नितिन गडकरी जी ने एक इंटरव्यू में कहा, एक बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परिचालन में आने और जनता के लिए खोले जाने के बाद केंद्र को हर महीने 1000 से 1500 करोड़ रुपए का टोल राजस्व देगा। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। 8 लेन का यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजर रहा है। इससे राष्ट्रीय राजधानी से देश की वित्तीय राजधानी के बीच का समय मौजूदा समय के 24 घंटे से घटकर आधा यानी 12 घंटे रह जाएगा। साथ ही साथ नितिन गडकरी जी ने यह भी बताया है कि अगले 5 साल में NHAI की टोल आय सालाना 1.40 यानी 140 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। यह अभी 40,000 करोड़ रुपये हैं। गडकरी जी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को सोने की खान करार दिया है। गडकरी जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की प्रगति की समीक्षा के लिए हाल में एक लंबी यात्रा पूरी की है। तो दोस्तों, इस रोड से आने वाले समय में भारत सरकार को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है और भारत सरकार का इस रोड की मदद से बहुत ही ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। और साथ ही साथ इस रोड से हमारे देश की जनता को और जिस जिस क्षेत्र से यह रोड गुजर रहा है उस क्षेत्र की जनता को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस रोड के बनने के बाद बहुत सी ज़्यादा इंडस्ट्रियां इस रोड के आसपास अपना उद्योग स्टार्ट करेगी, जिससे कि क्षेत्र की जनता को, वहाँ की जनता को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। तो यह आने वाले समय में यह रोड भारत के लिए एक नई ऊँचाइयाँ लेकर आएगा और यह रोड भारत को विश्व में एक नई पहचान दिलाएगा, क्योंकि यह बहुत ही लंबा रोड है, भारत का सबसे लंबा रोड है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो आपको, मुझे आशा है कि पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।